बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने 3.4 शुरू की थी, जिस पे थोड़ा सा टाइम हमने लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर वन का एक पार्ट छोड़ के 15 बाकी सारे पार्ट्स हमने मैक्सिमम, उसमें से मैक्सिमम मैंने आपको करा दिए थे। और वन का जो 15 पार्ट था वो मैंने कहा था कि क्वेश्चन टू के कुछ पार्ट्स की तरह हैं, तो इस उनके साथ कराऊँगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद होगा कि हमारा इसमें जो टॉपिक है बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। उसको जस्ट हल्का सा गो थ्रू कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसमें यू एक फंक्शन होगा, वी दूसरा फंक्शन होगा। यू नॉर्मली हम वो फंक्शन लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आम तौर पे पॉसिबल नहीं होती, कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में। और बी फिर उसको ले लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। तो ये देखें, यू एज इट इज़ वी की इंटीग्रेशन माइनस, अब यू का लेना है क्या, डेरिवेटिव, और यही सेम वी की इंटीग्रेशन दोबारा, और इस सारे का जो आंसर आएगा उसको फिर करना है इंटीग्रेट, ठीक है। अब इसमें पांच सिचुएशंस हमने पहले से डिफ़ाइन की हुई हैं, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये पांच चीज़ें हमने फिक्स की हुई हैं कि अगर ये आ जाएँ तो अब इनको आपने यू नाम देना। क्या इसको याद करने का तरीका है कि यू आप फंक्शन किन किन फंक्शंस को नाम दे सकते हैं, आई लेट, यानी ये शॉर्टकट है आई लेट। आई क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा आपने उसको यू कहना है, या लॉगरिथमिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, ये पॉइंट बेटा आपने याद रखना है, ठीक है। अगर इन्वर्स आ गया तो लॉग नहीं आएगा, लॉग आ गया तो इन्वर्स नहीं आएगा, इन दोनों में से एनी वन होगा। अगर ये दोनों मिसिंग है तो फिर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपल जो एक्स की पावर है, उसको आपने कह देना है यू। अगर ये भी नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को यू कहना है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियल को। और वी क्या होगा, जिसको आपने यू कह दिया है उसके अलावा जो कुछ बचेगा वो वी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर वन का 15 पार्ट वो आ गया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं और अलजेब्रिक फंक्शंस, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो दो हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो पहले इन दोनों को मिला के मैं एक सिंगल फंक्शन बनाने लगाऊँ और फिर इसके बाद आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा साइन 2x, यानी जब ये दो फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा इसको नाम दे दें आई। आई मीन इंटेग्रल, जैसे हम डेरिवेटिव में y के इक्वल हर फंक्शन को y के इक्वल लिखते थे जहाँ पे y नहीं दिया होता था, इसी तरह इंटीग्रेशन का ये रूल है कि हर इंटीग्रल को कैपिटल I के इक्वल लेना है, ठीक है। तो हम नॉर्मली कैपिटल आई उस जगह पे नाम देते हैं जहाँ पे उसके रिपीट होने का चांस है। अब देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें, इंटीग्रेट करें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लें, इंटीग्रेट करें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, साइन से कॉस, कॉस से साइन, बस ये इसी में कन्वर्जन होती रहेगी। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे आ जाएँ तो इसमें रिपीटिशन होगी, यानी दो स्टेप के बाद, दो दफ़ा फार्मूला लगने के बाद ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, फिर वहाँ पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। अब करना ये है कि जब भी आप इस फंक्शन को लेके चलेंगे तो इसके अगर शुरू में कोई कोफिशिएंट होगा तो उसको छोड़ दें, यानी वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा। सिंपल आपने आई नाम देना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब वैसे तो इसमें कोई इशू नहीं, आप एक्सपोनेंशियल को भी यू ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को भी यू ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन तृतीय में देखें, जो आई लेट में मैंने कहा था उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड पे है और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक को आप यू रख लें और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन ज़रा आसान होती है तो उसको वी के तौर पर रखें, अदरवाइज ये फिक्स नहीं है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यानी ये हमारे लिए एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी वी माइनस डेरिवेशन ऑफ यू फंक्शन जो कि साइन 2x है, इंटीग्रेशन ये अगेन ई पावर एक्स डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, आपको मैंने बताया हुआ है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, कि इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ अगर है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी पावर में कौन है, एक्स, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन, तो वो तो मौजूद है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2x इंटू 2 और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आ गई।
फर्दर देखें, इस टू को बाहर निकालें और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फिर आगे इनको फिर यू इंटू वी से करना है आपने, यानी ये एज ए यू चलेगा और ये एज ए वी चलेगा। आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन टू एक्स, और ये टू को बाहर निकालें और ये माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें। दोबारा यू एज इट इज़ ये देखें कॉस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस डेरिवेशन ऑफ कॉस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ गया, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टू एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव टू आ गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स। अब ये फंक्शन रिपीट हो गया। अब इसके बाद दोबारा फार्मूला यूज़ नहीं करना क्योंकि दो दफ़ा हम फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। इसको खोल दें, टू टाइम ई की पावर एक्स कॉस टू एक्स, एक ये माइनस है एक ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस लेकिन बाहर वाला साइन माइनस, टू टू ज़ा फोर इंटीग्रल ई की पावर एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो फंक्शन रिपीट होगा ना, यानी जो दोबारा बनेगा वही सेम फंक्शन इंटीग्रेशन में, वो हमेशा माइनस टाइम बनेगा, प्लस टाइम नहीं बनेगा। ये पॉइंट याद रखना है। माइनस फोर आई, अब आई को इधर ले आए, फोर टाइम आई को, अभी सी नहीं लिखना जब तक ये फाइनल स्टेप नहीं हो जाता। ये हो जाएगा फाइव आई और ये सारे के सारा फंक्शन एज इट इज़। अब आई अकेला हो जाएगा, वन ओवर फाइव कर दें या होल डिवाइड कर दें, एक ही बात है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेशक कॉमन ले लें, ई पावर एक्स इधर रह जाएगा साइन टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स, और अब एंड पे प्लस सी लिखना है। जब ये आई का जो कोफिशेंट है ये डिवाइड हो जाएगा, फिर आपने आखिर में क्या करना है, आखिरी स्टेप में प्लस सी लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आएंगे तो आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को यू कर दें और एक्सपोनेंशियल को वी कर दें। अगर तरतीब चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन ये सबसे आसान टेक्निक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक को यू करें और एक्सपोनेंशियल को वी करें, ठीक है। तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे फिर दूसरी दफ़ा लेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा, उसको उधर ले जाके उसके साथ ऐड कर दें और ये माइनस टाइम हमेशा रिपीट होगा, और आखिर में जब डिवाइड कर देंगे तो फिर आखिरी स्टेप के साथ प्लस सी कर दें। अच्छा सर, इसमें ये एक आखिरी स्टेप रह गया, ये इक्वेशन वन बिकम्स, वो मैंने मिटा दिया है। उसमें क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, वन बाय टू आई। तो जब आप इधर आई की वैल्यू पुट करेंगे ये वन बाय ई की पावर एक्स ओवर टेन आ जाएगा और बाकी सारा यही आ जाएगा, और सी को अकेला ही रहने दें, ठीक है। ये स्टेप कर लेना। बिल्कुल सेम इसी टेक्निक से देखें क्वेश्चन टू का, ये यानी ये भी ये हमने इवैल्यूएट करने हैं। क्वेश्चन टू का पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर सिक्स और पार्ट नंबर सेवन बिल्कुल 100% फोटोकॉपी। इनमें से जो सबसे बड़ा पार्ट है पार्ट नंबर थ्री, वो मैं आपको करा देता हूँ। तीसरा पार्ट इंटीग्रल ई पावर एक्स साइन टू एक्स और इसके साथ कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ कि एक यहाँ पे मैं टू इंट्रोड्यूस कराऊँगा तो ये फार्मूला बन जाएगा टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। क्या बन जाएगा, टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये क्या होता है, साइन, अगर साइन पहले है कॉस बाद में है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर बीच में प्लस आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डी एक्स। यह आ जाएगा साइन थ्री एक्स और प्लस साइन एक्स
dx। अब इसको अलग अलग कर दें, 1/2 इंटीग्रल e की पावर x साइन 3x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल साइन x dx। अब ये दोनों में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये आ जाएगा 1/2 आई वन कर दें, क्योंकि ये दो आ रहे हैं इसमें भी, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, e पावर x साइन x dx प्लस 1/2 आई टू हो जाएगा। ठीक है जी, पहले हम आई वन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम उसी टेक्निक से जैसे अभी मैंने आपको गाइड किया था, e पावर x साइन 3x dx। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं u ले रहा हूँ और एक्सपोनेंशियल को v ले रहा हूँ, तो u फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस डेरिवेशन ऑफ साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx होल इंटीग्रेशन। दिस विल बी e पावर x साइन 3x माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 3x और एंगल का 3 भी आ जाएगा, और आगे से e पावर x dx। अगेन इस पर डेरिवेटिव u इंटू वी फार्मूला लगाएंगे, इसमें से 3 को बाहर निकालें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक u ही रहेगा और एक्सपोनेंशियल v रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx होल इंटीग्रेशन। e पावर x cos 3x माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल से 3 आएगा, तो वो मैं इसको यूं लिख रहा हूँ, 3 साइन 3x e पावर x dx। अब ये रिपीट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में ले आए, 3 टाइम e की पावर x cos 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, बाहर वाला माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 इंटीग्रल e की पावर x साइन 3x। ठीक है जी, ये रिपीट हो गया, आई वन नाइन आई वन, इसको इधर ले आए, 9i1 ये 10i1 हो जाएगा, ये सारा कुछ एज इट इज़, और फिर 10 से डिवाइड कर दें, तो ये e की पावर x ओवर 10 कर दें, साइन 3x माइनस 3 cos 3x। ठीक है जी, ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब नाउ यानी यूँ समझें कि इस एक क्वेश्चन के अंदर ये i वाले दो क्वेश्चन आ गए हैं, अब ये दूसरा I2 इंटीग्रल e की पावर x साइन x dx, ये भी सेम वही ट्रिग्नोमेट्री को आपने u कहा और एक्सपोनेंशियल को v कहा, तो u एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेशन ऑफ u यानी साइन x इंटीग्रेशन e पावर x अगेन होल इंटीग्रेशन। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, इस पर अगेन फार्मूला लग जाएगा, माइनस को बाहर रखें, ऐसे कॉस एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। e पावर x साइन x, इसको खोल दें, यानी चलें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चलें एक स्टेप शो कर देता हूँ मैं, cos x इंटू ई की पावर x माइनस cos का माइनस साइन x, एंगल इसमें 1 है तो वो कोई इशू नहीं, e की पावर x डी एक्स, और इसको बंद कर दें। e पावर x साइन x माइनस e पावर x cos x, 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, e पावर x साइन x। अब ये रिपीट हो गया, माइनस आई टू, इसको इधर ले आए,
ई पावर एक्स कॉमन ले लें, टू आई टू और आई टू आ जाएगा ई पावर एक्स ओवर टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी, ये आई टू का आंसर है, यानी ये आई वन आया था हमारे पास आंसर, ये वाला, ये आई टू का आ गया। ठीक, अब इन दोनों आंसर्स को यहाँ पे इक्वेशन वन में पुट करना है। ठीक है, यानी इक्वेशन वन बिकम्स, तो लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिखना है, इंटीग्रल ई की पावर एक्स साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आई वन के साथ भी वन बाई टू आएगा, तो ये जो ऑलरेडी टेन है ये ट्वेंटी हो जाएगा, यानी ई की पावर एक्स ओवर ट्वेंटी और आगे साइन एक्स साइन थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स। और इसी तरीके से जो आई टू का आंसर है वो भी हाफ है, इधर भी ऑलरेडी हाफ है, तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स ओवर फोर इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अब आके आपने प्लस सी लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ पे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएँ तो वो रिपीट कैसे होते हैं, दो दफ़ा जब आप फार्मूला लगाएंगे तो वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा, जैसे इस स्पेशली जैसे क्वेश्चन वन का 15 पार्ट था उसमें एक ही आई था, आगे आप जब 6 पार्ट करेंगे वो भी एक आई है, और 7 वाले पार्ट में भी वो भी एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो तीसरा पार्ट था इसमें जब मैंने फार्मूला साइन टू एक्स कॉस एक्स पे लगाया तो यहाँ से दो आई बन गए, आई वन आई टू, तो समझे कि ये दो क्वेश्चन का कम्बिनेशन था, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा और वर्किंग भी ज़्यादा हुई। तो उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी, बाकी दो पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं, इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो अब इसके जो बाकी क्वेश्चन टू के पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।